क्या भैया, इसलिए हम नया की बातों से नाराज हैं, इन्हें अपनी भाभी स्वीकार करते हैं भैया। माँ और पिताजी के दादा के साथ ही तो है बेटा, ये आपको यदि ये आपकी बड़ी माँ है मतलब दादी माँ है, जाकर ही छोकर प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद लीजिए। ये आप लोग बातें कीजिए हैं और हम चल रहे हैं आराम कक्ष में। आज मुझे एक माँ नहीं बल्कि मुझे दो दो माँ मिल गई है, मुझे बेहद खुशी है। तो आज किस्मत बढ़िया है। क्या हुआ? एक महतारी है, दूसरा बिना महतारी मांगे पागे, तो एक नहीं दो दो महतारी, तीन तीन बाप। है, है, तीन बाप तो तीन बाप नहीं, एक महाराज तुम्हारे पिता। जी हाँ। ये कौन है? दादाजी। तो दादा कौन होता है? पिता तुम होते। मैं कौन हूँ? आप चाचा होंगे। चाचा क्या होता है? चाचा भी पिता तुम लोग। हाँ तो तीन होगी भी नहीं। अच्छा माँ। हाँ बेटा। और दादी माँ, मैं जा रहा हूँ काली, मुझे काली करने को। पूरा गांव को चाचा कह दे, पूरा गांव पप्पा बनाने। माँ अब मैं काली जा रहा हूँ, मुझे वक्त हो चुका है। खुश रहो बेटा, तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगा। घबराओ नहीं, बिना मेहनत के लड़का है कौन जो? बहुत सेवा तुम्हारी करनी चाहिए। आप लोगों ने शादी कर लिया, ये तो मुझे बहुत खुशी की बात है। और ये बातें छोड़िए, चलिए तो आपकी देखिए खुशियों की रातें, आप चलते खुशियां मनाइए, मैं आपको आपके बेडरूम तक पहुंचा देती हूँ। चलिए देवरानी जी, हमारे बेडरूम तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी स्वागत हमारे लिए। चलिए आइए बढ़िए स्वागत। इधर आओ, खड़ा हो, इधर आओ। आज साले कुत्ते, इधर आओ तो बताता सले हराम घोर तुम्हें हट दिया है, नहासी को हट तुम्हें दिया है किलो बाबे। काट डालूंगा तुमको हर आचारे फिर आज नहासी को जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया है, मुझ पर हाथ नहीं बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। और इसे हमारी का बदला ना हासिल हो, ये जो आपके कभी मौत से चुकाएगा हो। अरे मैं तो क्या समझाता है, रात तूने मेरी पत्नी के समक्ष सरे मुझ पर हाथ उठाया, अब देख हाथ उठाने का अंजाम लो, ये जो हाथ से तुझे क्या देता है। स्वामी जी मैं तो समझी थी सवेरी के अंदर कोई इज्जत होगी तुम्हारी, लेकिन यहाँ तो आपकी नौकरों पर हमारी इज्जत नहीं। यही तो बात है कि आज यहाँ से मेरी घड़ी आओ अपना
लेकिन अभी समय मेरा नहीं लेगा, अब मैं से दिखाऊंगा अपना सारा पर खराब चादे को देखो कौन सा सबक सिखाता हूं। कितना बार सपना सलाह में आई थी क्या शादी करके जाऊं जाऊंगी सुहागरात में मिठाई मिले हर जूता ना राम है थे तुझे मिठाइयां मिले जो हुआ सो हुआ आज के दिन से भूल जाओ आज के दिन से भूल जाओ ये जख्म तो हमेशा याद रहेगा। चलो चलते हैं हम आज अपने सुहागरात मनाते हुए उसके बाद महर सिंह से हम बाद में मिलते हैं। चलो गुस्से को छोड़ो कि आप भूल सकते हैं लेकिन राम कभी नहीं। मैं वो नहीं करता कि भूल जाओ भूल जाओ दिया है महर सिंह ने लेकिन आज के दिन से उसकी मौत से चुराऊंगी मैं। वो तो वक्त बताएगा भी क्या होता है। चले आज खुशी की रात है लेकिन स्वामी जी बोलो सुहागरात में कुछ होगा नहीं क्योंकि मेरे बदन में चामड़ी निकल रही है पहले तेल गरम करवा लिए मालिश कर लिए तब सुहागरात होगा नहीं कुछ होगा। चलो चलो तुम्हारी मालिश करवा Yeah.
की आप घबराए कि अपना मुझे मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मेरे पास मैं सोच न मर सकती हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं। दोस्तों नमस्कार, मुमताज अली भटनोसा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये हमारा सेकंड चैनल है जो मुमताज अली भटनोसा चैनल के नाम से प्रचलित है, चल रहा है। अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने सेकंड चैनल पर डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो आइए दोस्तों, ये तो मैं प्रोग्राम चैनल की बात कर रहा था, अब हम आपसे प्रोग्राम की बात करेंगे। कल मैंने वीडियो में डाल करके आपको जानकारी दिया था कि दिनांक 23 अप्रैल दिन मंगलवार को हमारा प्रोग्राम सुल्तानपुर ज़िले में होगा। तो दोस्तों आज 23 अप्रैल है, आज 23 तारीख है, दिन मंगलवार है, आज हमारा प्रोग्राम सुल्तानपुर ज़िले के अंदर गांव दिनवल में होगा। गांव दिनवल है, पोस्ट उघड़पुर घटपुरा है, थाना मोदगरपुर है, ज़िला सुल्तानपुर है। हमारे घर मालिक आदरणीय दयाराम वर्मा साहब हैं, उन्हीं के यहाँ हमारी कंपनी का प्रोग्राम होगा। और ये प्रोग्राम जो बंधा हुआ है ये हमारे गुरु जी पंडित भूषावाले के माध्यम से हमारी पार्टी आएगी और वह प्रोग्राम होगा। तो ये जानकारी तो मैंने कल आपको डाल करके बता दिया था, लेकिन अब हम बात करेंगे कल की। कल दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 24 तारीख की। कल 24 तारीख है और दिन बुधवार है, और कल हमारा प्रोग्राम रायबरेली ज़िले में होगा। रायबरेली ज़िले के अंदर एक गांव है कंदरावा, ये ऊंचाहार के पास पड़ता है दोस्तों। कंदरावा गांव है और कंदरावा में एक मेला लगता है खनौ वीर बाबा का, और उसी खनौ वीर बाबा के मेले में कल 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम यानी भटनोसा कंपनी जनाब मोहम्मद इदरीस भाई की पार्टी का प्रोग्राम होगा। तो दोस्तों गांव कंदरावा है, पोस्ट कंदरावा, थाना ऊंचाहार, ज़िला रायबरेली। तो आइए मैं आपको हमारे मेला मालिक जिनका नंबर हमको मिला है, वो नंबर है हमारे आदरणीय बुद्धिलाल मौर्या चौराहा जी का, उन्हीं का नंबर हमारे पास है। मैंने ट्रू कॉलर से पता लगाया, इस समय उनका नंबर बंद है, स्विच ऑफ है मोबाइल, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी नंबर पर कॉल करके आप रास्ते की जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 6389-35-75-70, मतलब 6389-35-75-70 ये नंबर है, नंबर को नोट कर लीजिए। आप इसी नंबर पर कॉल करके रास्ते की जानकारी ले सकते हैं और आराम से कंदरावा पहुँच करके भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम खनौ वीर बाबा के मेले में देख सकते हैं। तो ये रहा दिनांक 24 अप्रैल दिन बुधवार यानी कल के प्रोग्राम की जानकारी देने का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने सेकंड चैनल पर डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। धन्यवाद।